फ्रेंड्स, माय नेम इज बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बशीर टीवी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी वीडियो के शुरू में से देखा प्रीव्यू में, कैट वाला स्टेटस, वो जो कैट है उस जो है रोज़ को फेंकती है और उसमें से जो है तस्वीर जो पिक्चर है आपकी वो निकल कर आती है। तो गाइज, अगर आप इस तरह का जो स्टेटस है वो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। गाइज, अगर आप मेरी वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आप इस तरह का अपनी फोटो वाला जो स्टेटस है वो नहीं बना पाएंगे। सो चलो गाइज, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल बशीर टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के ऑप्शन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। सो गाइज, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको जो है काइनमास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक जो है मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइज, अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो वीडियो आप इस वक्त जो है वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके नीचे जो टाइटल लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं इंग्लिश में, आपने उसी टाइटल पर क्लिक करके वहाँ से आपको एक लिंक दिखाई देगा ब्लू कलर का, तो आपने उसी लिंक पर क्लिक करके इसको वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। सो गाइज, वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल बशीर टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में घंटी के ऑप्शन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जो है बनाता रहूं और आप तक ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। सो गाइस, यहां पर आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहां पर जो है आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 9:16 वाला। सो गाइस, यहाँ पर दूसरे वाले रेशियो को आपने सेलेक्ट कर लेना है, 9:16 वाले रेशियो को। इसको सेलेक्ट करने के बाद गाइज, यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आपकी गैलरी जो है खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपनी वो फ़ोटो को जो है ऐड कर लेना है जो फ़ोटो आप अपनी वीडियो में जो है ऐड करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो को जो है यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर आपने ऊपर स्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से, यहाँ पर गाइज आपने ऊपर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ से जो है ओके कर देना है स्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। जैसे आप इस टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर गाइज आपने अपनी फ़ोटो वाली लेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप फ़ोटो वाली लेयर पर क्लिक करेंगे तो आपने इसको यहाँ से खींच कर बड़ा कर लेना कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको एक कैंची के साथ पैन एंड जूम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने इसी पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो को अपनी दोनों फिंगर की मदद से खींच कर यहाँ से फिल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरह से। सो गाइज, यहाँ पर आपने यहाँ से इस बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ पर ऊपर टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइज आपने यहाँ लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना और मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर चले जाना है और वहाँ से आपने उसी कैट वाली वीडियो को जो है यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो गाइज इस कैट वाली वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइज, अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो आपने यहाँ जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं इसके नीचे जो टाइटल लिखा हुआ है आपने उसी टाइटल पर क्लिक करके वहाँ से इसका लिंक जो है आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर वहाँ से आपने इसी कैट वाली ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को जो है डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद गाइज आपने इसी तरह से इसको जो है यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइज आपने यहाँ से इसको जो है खींच कर भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं या फिर आपने कैंची के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। और यहाँ पर गाइज आपने इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से पीछे चले आना। पीछे आने के बाद यहाँ पर गाइज आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक क्रोमा की ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पर गाइज आपने इसके कलर को जो है यहाँ से की कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से जो है ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से थोड़ा बहुत गाइज आप इसको जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, इसके बाद आपने ऊपर टिक वाले ऑप्शन क्लिक करके इसको यहाँ से ओके कर देना है। और यहाँ पर आपने एंड पर आना है और यहाँ पर ऊपर वाली फोटो की लेयर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर कैंची वाले ऑप्शन क्लिक करके दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइज, ये जो आपकी वीडियो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो इसको अपनी गैलरी में सेव करने के लिए आपने यहाँ तीर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर गए तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपने इसको फुल HD भी कर सकते हैं या फिर HD करके यहाँ से 60 कर लीजिए और यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। ओके, शुक्रिया।